बार बार वही कृति करना, इसको बोलते कंपल्सिव डिसऑर्डर। और उसके कुछ प्रमुख लक्षण जो है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। बहुत कॉमनली दिखाया जाता है वो है बार बार हाथ धोना, बार बार हाथ धोना, बार बार स्नान करना, बार बार कपड़े धोना, लैट्रिन के आने के बाद में बहुत बार धोना हाथ, और जैसा कमर के नीचे का पोर्शन बार बार धोना, ऐसे विचार हाथ धोने के, और नीट और क्लीन होना, खराब हो गया, कंटेमिनेशन हो गया, वो विचार आना, नंबर एक। नंबर दो, गैस जो है कुकिंग गैस वो बंद किया है कि नहीं वो बार बार तपासना, लैच मतलब लॉक किया है कि नहीं वो तपासना, कड़ी कोना रहता है वो तपासना, बार 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 जाके फिर चेक करना। नंबर तीन है गिनती करना, कोई भी चीज़ है वो बार 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 गिनती करना, उनको समाधान नहीं होता, बार बार जाके गिनती करना पड़ता, काउंटिंग करना पड़ता है। नंबर चार जो है वो ऑर्डर और अरेंजिंग करना, मतलब इस तरह से ही वो रखना चाहिए और इस तरह से उसका अरेंजमेंट होना चाहिए, ये बाएं तरफ होना चाहिए, दाएं तरफ होना चाहिए चीज़ें, इनका मकान जो है वो बहुत ही टॉप टिप रहेगा, चीज़ें एकदम जगह पे रहेंगी, साफ़ सुथरा रहेगा, उनको ऐसा मतलब ऐसे ही चलता है, और वो लोगों को भी फोर्स करेंगे चीज़ें ऑर्डर में रखने के लिए। फिर पांचवा है कि चीज़ें जमा करना, जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है मगर वो उनको इच्छाएँ होती जमा करने के लिए, लाइक मैगजीन्स है, पुराने न्यूज़पेपर्स है, पुराने कपड़े है, पुराने बर्तन, फिर बच्चों के खिलौने, ऐसे कोई भी चीज़ जो है उसको होल्ड करना है, पकड़ना है और वो रखना है, जमा करके रखना, मालूम है कोई भी वापरती भी नहीं। छठवा है बार बार यकीन मांगना है कि नहीं बराबर है, नहीं है ये ठीक है ना, ऐसा लोगों से पूछना और लोगों से वो आना चाहिए, उसका आंसर आना चाहिए। तो जैसा एक व्यक्ति था वो पूछता था कि अभी कितने बजे, तो अपन ने बोलना कि अभी ठीक है अभी 4:30 हो गए। अच्छा नहीं मैं बोल रहा हूँ 4:30 हुए कि नहीं हुए, वही देख रहा था मैं, है ना, तो चेक करना ऐसा और पूछना। फिर वो पूछेगा तो कुछ मिनट अभी कितना समय हो गया, वो 4:30, अच्छा ठीक है, नहीं अभी 4:30 नहीं अभी 2 मिनट हो गए, बोले 4:32 हो गए होंगे, मतलब ऐसा। फिर सातवां जो है वो है आश्वासन मांगना, रीएश्योरेंस मांगना, कुछ होगा तो नहीं ना, नहीं आप बोलो ना कुछ नहीं होगा, नहीं मैं मुझे बीमारी तो नहीं होगी, आप बोलो नहीं करके, नहीं एक बार आप बोल दो कि नहीं होंगे करके, फिर अपने को बोलना पड़ता नहीं होगी भाई, नहीं फिर और एक बार बोल दो कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, या फिर ऐसा तो होगा नहीं ना, ऐसा वो आएंगा ना जल्दी, मतलब ऐसा बार बार आपसे वो रीएश्योरेंस पूछेंगे और आपको हाँ या ना बोलना ही पड़ता है, तब तक तो ये आपका पीछा छोड़ेंगे नहीं। फिर आठवां है दिमाग में वही 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 शब्द बोलना, उनको दिमाग में वही शब्द बोलना पड़ता है, बार 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 बोलेंगे वो, उसके से उनको चैन नहीं पड़ेगा, खुद से खुद अंदर के अंदर अंदर के अंदर बोलेंगे। नौवां है कि दिमाग में जो आ रहा है उसको काटना वो विचारों को, और दूसरा बोलना, तो कोई विचार आ रहा है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, तो फिर उसको काटेंगे और नहीं अभी ऐसा बोलना है। दसवां है कि जो जगह पे या जो परिस्थिति में उनको बार 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 विचार आते हैं या वहाँ जाके कुछ करेंगे ऐसा लगता है, वो उसको टालना, फिर वो जाते नहीं वहाँ, टालेंगे घर बैठेंगे और कुछ तो भी कारण बता देंगे, हमको इतना वियर्ड लगता है कि ये आज वहाँ क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा ये क्यों कर रहा है, ये नहीं क्यों बोल रहा है, मगर वो साहब बोलेंगे नहीं और फिर वो टालेंगे और अपने को चिंता की ऐसा क्या हो गया इसको, ये ऐसा इनअप्रोप्रिएट क्यों बिहेवियर कर रहा है। फिर यदि आप डीप में जाएं मालूम पड़ेगा इसको OCD है इसलिए ऐसा कर रहा है, तो ऐसे ये कंपल्सिव बिहेवियर है और इसके लिए इलाज है, साइकेट्रिस्ट के पास में जाना जरूरी है। ऐसे सारे ग्रुप की दवाइयाँ, क्लोमिप्रामिन ग्रुप की दवाइयाँ हैं, फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, हिप्नोथेरेपी है, एक्सपोजर थेरेपी है, ऐसे अलग अलग थेरेपी उसके लिए है, मगर डॉक्टर के पास में जाना जरूरी है और इलाज करना जरूरी है। एक बार वो आपको समझ में आ गया कि भाई हमारा दिमाग जो है वो बार 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 थॉट प्रोड्यूस करता है, वो इरेलेवेंट थॉट है, इनअप्रोप्रिएट थॉट है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो बाजू में रखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको महत्व नहीं देने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने काम के ऊपर फोकस करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो फिर यहाँ से मुक्ति मिल सकती है। इसमें कभी कभी क्या होता है कि OCD भी साइकोसिस होता है, साइकोसिस मतलब फिर आक्रामक होना, मारपीट करना, उसका नहीं सुनना, तो फिर उसके लिए एंटीसाइकोटिक दवाई भी देनी पड़ती है। कुछ बहुत सीवियर केसेस हो गए हैं कि OCD है, साइकोसिस है, सुसाइडल अटेम्प्ट है, उसमें हमको शॉक ट्रीटमेंट भी देनी पड़ती है।
इलाज है, इलाज कंसिस्टेंटली करना जरूरी है। 8-15 दिन महीने भर में इलाज करके बंद नहीं करना है, डॉक्टर नहीं बदलने का है, फ़ायदा दिखने को टाइम लगता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी, उसके ऊपर आप क्लिक करके नाम मात्र 158 रुपये भर सकते हैं। हमारे डॉक्टर आपको कॉल करेंगे, मेरे से सलाह लेंगे और बाद में आपकी दवाइयाँ हम प्रिस्क्राइब करेंगे। 1% लोग इसमें प्रॉब्लम में है, ये बीमारी से 1%, मतलब 100 में से 1 व्यक्ति कुछ ना कुछ स्वरूप में उसको ये बीमारी है। हर साल 10 लाख लोगों को ये बीमारी होती है, इसका इलाज करेंगे तो सब लोग अपना जीवन आनंद से जी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।